Again. Good afternoon. So let's start this new session today. As I've told you earlier, doubt session is due on Saturday. Topics has already been mentioned to you. They are electrostatics and rotational motion, and I have told you the format in which you need to send me the questions. Please take a snapshot, trim it, and send it across. I will take them directly and we will solve it along with the question. And you please take a screenshot and proceed ahead to solve that question and get your final conclusion. We will aim somewhere around 15 to 20 questions that day. So please come prepared so that we can solve as many questions as possible. Okay? Okay. तो आपको अगर याद होगा कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिस्कशन किए थे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कशन में आके रुके हुए थे और मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बेसिकली कौन क्रिएट करता है. अगर मैं क्विक आज का कॉन्सेप्ट्स का एक रिकैप्चुलेशन करूं कल के कॉन्सेप्ट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें मैं बोलता चलूंगा फ्री फ्लो में, आपको अपने नोट्स बनाते चलने. इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तब आता है जब फोर्स एट अ डिस्टेंस की बात करते हैं. जब हम दो चार्जेस रखते हैं, चार्जेस को आपस में कांटेक्ट में रहना जरूरी नहीं होता है. चार्जेस अगर दूरी पे रहे तब भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है. वो फोर्स कितना होता है ये कूलम्स लॉ बताता है. लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्चुअली या इसका एक फिजिकल मीनिंग अटैच करने के लिए ये बोला गया कि कोई भी एक चार्ज जिसे हम मास्टर चार्ज बोलेंगे, वो मास्टर चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट करता है और वो फील्ड लॉजिकली स्पीकिंग मास्टर चार्ज से लेके इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है. ठीक है, और इस मास्टर चार्ज के फील्ड में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो वो एक अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस फील्ड ऑन दैट चार्ज. लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो मास्टर चार्ज है जो फील्ड क्रिएट करता है उस फील्ड की इफेक्ट खुद मास्टर चार्ज के ऊपर नहीं होती, उस फील्ड की इफेक्ट खुद मास्टर चार्ज के ऊपर नहीं होती. ठीक है, लेकिन वो फील्ड बाकी कोई अदर चार्जेस अगर रहे तो उन चार्जेस के ऊपर उसका इफेक्ट होता है. ठीक है, तो कल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बेसिक समझी थी वो था कि हाउ यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज केप्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड और केप्ट ऑन द फील्ड ऑफ द मास्टर चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which we represented by E vector, that was defined as force per unit charge. This is what is the definition, force per unit charge on a charge or unit charge which is placed in the field of the master charge. So ये जो electric field होती है, ये electrical field किसकी होती है? ये electric field generally define होती है एक master charge की. Master charge it's basically it's a charge only, but it is called master charge because this charge is responsible for creating the field, and in that particular field we are bringing a unit positive charge. Ye concept hai. Abhi tum bologe sir unit negative charge lane se kya hota, kuch nahi, but define kiya gaya hai unit positive charge ke liye. Agar dekho definition jab hoti hai to definition ko standardize karne ke liye ye sab cheeze hame lete hain. अभी आप बोलोगे सर यूनिट नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लाए, यूनिट नेगेटिव चार्ज भी ला सकते थे, उस केस में वो रिपल्सन फील नहीं करके अट्रैक्शन फील करता, बट डेफिनेशन बना हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आपको इसी तरीके से इसको रटना पड़ेगा. अब इसके बाद अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने बेसिकली, मैंने आपको कल ये बताया था कि जितने भी सवाल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर किया था कि इस जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब चीजें आपका सिमिलर क्वेश्चन बन जाएगी कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट. फॉर एग्जांपल आपको याद है मैंने आपको एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन कराया था जहां पे वेक्टर्स कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज हो रहा था, जहां पे हमने एक क्यूब के आटो एजेस के ऊपर वर्टेक्स के ऊपर सॉरी हमने चार्जेस रख दिए थे और किसी एक चार्ज के ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना था. अब वही सवाल आपका बन जाएगा कि किसी भी एक वर्टेक्स के ऊपर नेट फील्ड निकालो, तो जिस वर्टेक्स के ऊपर भी नेट फील्ड निकालने के लिए बोली जा रही है क्या उस वर्टेक्स पे आप +1 चार्ज रख दोगे और आप नेट फोर्स उस वर्टेक्स के ऊपर निकालोगे और वो नेट फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट वेयर वी लेफ्ट आवर लास्ट क्लास. आज हम उससे आगे बढ़ेंगे. तो आइए, जैसे कि मैंने आपको बोला था
कि एक बेसिक सा सवाल लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है. सपोज मैं आपको एक ऐसा स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर दे देता हूँ, ऐसा एक फ्रेम दे देता हूँ, और इस फ्रेम के मान लो चारों कोने में चार्जेस रखे हुए हैं. सपोज मैं बोलूं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर. सपोज सेंटर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ आपको, कैसे निकालोगे? जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला जाए वहां पे प्लस वन चार्ज रख दो. ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, हम कुछ नहीं कर सकते, प्लस वन कूलम चार्ज रख दो और वहां पे नेट फोर्स निकाल लो. तो अगर ये सारे चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू 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 क्यू, और साइन भी सेम है, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर प्लस वन चार्ज रखूंगा तो इस डायरेक्शन में, इस डायगनल के अलोंग, इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही है वो कैंसिल हो जाएंगी, और इस डायगनल के अलोंग इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही है वो भी कैंसिल हो जाएंगी. तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. मतलब इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी. ठीक है, कोई खास बात नहीं है. सपोज मैं इसमें से एक चार्ज को माइनस कर दूं, सपोज दिस इज माइनस चार्ज, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछूं, तो ये दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, बट माइनस क्यू इधर प्लस वन चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ और क्यू रिपेल करेगा. तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस जगह पे वो कितनी हो जाएगी? इट विल बी, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में फॉर्म में लिखूंगा. तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपना हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस मानूंगा और इसको वाई एक्सिस मानूंगा. जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ कुछ लगेगी, और वो फोर्स जो होगी, लेट्स राइट इट डाउन, वो जो फोर्स होगी वो हो जाएगी के इंटू क्यू इंटू वन बाई आर स्क्वायर, which is root 2 a by 2, that is a by root 2 ka whole square. What is a? A is the side of the, a is the side of the square. K q by a root 2 whole square plus k q by a root 2 whole square, a by root 2 whole square. I hope you understood this. Aur ye jo electric field hai ye aayegi, ye jo apne x aur y axis hai, yahan se 45 degree angle pe aayegi because of symmetry. तो इसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक ये वाला cos 45 डिग्री, दैट इज 1 बाय रूट 2 i कैप, प्लस वही बड़ा टर्म आएगा, फिर से यही टर्म मैं रिप्लिकेट कर लूंगा यहां, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री j कैप. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. दिस इज द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दिस पॉइंट, अगर मैं उसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूं. इसी तरीके से मैं चार्जेस अलग अलग कर सकता हूँ, अलग अलग साइन दे सकता हूँ, तो उसके ऊपर वैरायटी ऑफ सवाल बन सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? तो ऐसे सवाल बन सकते हैं. तो जितने भी सवाल मैंने आपको कराए हैं, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको एक घड़ी वाला प्रॉब्लम कराया था, जो कि बहुत अच्छा सवाल था अपने आप में. तो जो घड़ी वाला प्रॉब्लम था, वो घड़ी वाला प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ सकता है. फिर से वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब लिख सकता हूँ. तो 11, 12 अब हम क्या करेंगे कि अब हम वो जो वेरिएशन है, ठीक है, घड़ी वाले क्वेश्चन में अब जो वेरिएशन आएगी, वो वेरिएशन ये आएगी कि अब आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, मतलब सेंटर पे आप कितना चार्ज रखोगे, आप प्लस वन कूलम का चार्ज रखोगे. सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. तो जितने सवाल आपने बनाए थे, आपने एक और वेराइटी ऑफ सवाल बनाई थी, याद करो कि आपने एक लाइन खींच ली थी, लाइन पे आपने 1 मीटर पे 1 स्क्वायर कूलम रखा था, 2 मीटर पे 2 स्क्वायर कूलम रखा था, 3 मीटर पे 3 स्क्वायर कूलम रखा था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब मैं आपको बोलूंगा कि आप इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो यहाँ पे कितना चार्ज रखना पड़ेगा? प्लस 1 कूलम चार्ज रखना पड़ेगा. फिर से आपको पूरा फोर्स ही निकालना है, लेकिन फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम चार्ज, ठीक है. उसी तरीके से आपको मैंने ऐसे भी सवाल कराए थे, अगर आपको याद होगा, आपको मैंने इस टाइप के सवाल कराए थे कि आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दे दी थी मैंने, और इस सेमी सर्कुलर रिंग के, याद करो, इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैंने आपको एक चार्ज रखा था और फोर्स निकालने के लिए बोला था. सपोज मैं बोलूं कि लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और अब मैं आपको इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सेंटर पर कितना चार्ज रहेगा? प्लस 1 कूलम चार्ज रहेगा. तो ऐसे जितने भी सवाल आपने किए थे वो सब सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आ सकते हैं. तो मैंने आपको इसीलिए इस तरीके से पढ़ाया है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जब मैं बताऊं,
तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाए कि ये कुछ भी नहीं है, ये कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के ऊपर ही है। लेकिन डिफरेंस ये है कि यू नो कि यहाँ पे अभी प्लस क्यू की जगह पे प्लस वन कूलम चार्ज रखूंगा जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो दिस वाज क्वाइट अ बिजी स्लाइड, लेट्स गो टू द, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे इसे कुछ सवाल क्या होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक सवाल के अगर मैं प्रैक्टिस कराऊँ जो आपने अभी तक की हुई है, ठीक है, उसमें बाद में लेता हूँ, आज के एंड ऑफ द डे पे मैं आपको एक क्लास एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के फॉर्म में। आइए अभी हम बेसिकली बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आए, सुनिएगा मेरी बात, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आए तो ध्यान से सुनिएगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बेसिकली तीन टाइप की होती है। एक होती है लैम्डा से डिफाइन होती है, दैट इज नोन एज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि चार्ज ऑन अ रॉड, चार्ज ऑन अ वायर। दूसरा होता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सिग्मा से डिफाइन होता है। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे चार्ज एरिया में डिवाइड होते हैं। और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो से डिफाइन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि गिवन एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो कैसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये आपको फिर से डिसाइड करना पड़ेगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, जब चार्ज अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब होगी जब चार्ज अलोंग द एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब होगी जब चार्ज अलोंग द वॉल्यूम, मतलब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, तब हम उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब आइए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक वायर लेते हैं या फिर एक यू नो एक रॉड लेते हैं या वायर लेते हैं, राइट, मेटलिक वायर। और इसमें वायर है तो इसमें क्या होगा, इसमें लैम्डा होगा, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, लैम्डा कूलम पर मीटर ये होगा इसमें डिफाइन। तो लैम्डा कूलम पर मीटर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया है यहाँ पे। तो अब सवाल ये है कि ये गिवन लेंथ की वायर है और इससे डी दूरी पे, कितने दूरी पे, डी दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे आई हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे पता है कि डी दूरी पे मुझे एक प्लस वन कूलम का चार्ज रखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी, इसको थोड़ा सा बड़ा से बनाते हैं ताकि हम इसे सॉल्व कर पाए अच्छे से। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस वन कूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे, मतलब अब यहाँ पे लैम्डा कूलम पर मीटर के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैंने प्लस वन कूलम रख दी, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करें, आप इसे सॉल्व ऐसे करें कि y पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लें डी वाई लेंथ का, या फिर आप प्लस वन कूलम से थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा एंगल का एक छोटा सा स्ट्रिप लीजिए। ठीक है, ओके, अब देखिए ये जो छोटा सा स्ट्रिप आपने डिफाइन किया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये छोटे से स्ट्रिप में कितना चार्ज है। इस छोटे से स्ट्रिप में जो चार्ज है वो है लैम्डा डी वाई। तो इस छोटे से स्ट्रिप में जो डी क्यू चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा, इट विल बी व्हाट, इट विल बी लैम्डा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू डी वाई। ये छोटा सा चार्ज आया इसके ऊपर। इस छोटे से चार्ज के कारण इस प्लस वन कूलम जो यहाँ पे है ना चार्ज रखा हुआ है, ये छोटे से चार्ज के कारण इस प्लस वन कूलम चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, ये जो छोटा सा फोर्स होगा इसको मैं बोलता हूँ डीएफ। ये डीएफ जो फोर्स निकालूंगा प्लस वन कूलम चार्ज पे, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसको मैं डी बोल देता हूँ। तो ये जो डी होगा, इट विल बी के इनटू क्यू, क्यू इज लैम्डा डी वाई। ठीक है, के इंटू क्यू
इंटू वन प्लस वन कूलम चार्ज, उसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये आर की वैल्यू क्या हो गई, ये आर की वैल्यू हो गई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, के लैम्डा डी वाई बाई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, y डिस्टेंस में मैंने थोड़ा सा एलिमेंट लिया है और ये डिस्टेंस प्लस वन कूलम d डिस्टेंस पे है, तो अगर तुम देखोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमको बनता हुआ नजर आ रहा है इनको इन्वॉल्विंग एंगल थीटा एंड 90 डिग्री, उस ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे जो डिस्टेंस r है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो k q1 q2 by r स्क्वायर होता है तो वो d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द चार्ज लैम्डा d वन एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द point of intersection of this perpendicular that is drawn from plus one coulomb charge on this wire, ठीक है? अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो d निकाला है, अभी total electric field निकालने के लिए आपको d की direct integration करनी पड़ेगी, आपको d की direct integration करनी पड़ेगी, ये d theta मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? आपको पता है वो d theta है, ठीक है? सवाल अब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है, आपको अपने कॉपी में करना है, डू आई गो फॉर डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ डी और डू यू थिंक आई नीड टू फाइंड आउट कंपोनेंट्स ऑफ डी एंड देन इंटीग्रेट द कंपोनेंट सेपरेटली। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलर रिंग के लिए, कोई बताना चाहेगा डायरेक्ट करेंगे या इनडायरेक्ट कॉम्पोनेंट्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करेंगे या डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, कौन बताएगा? गुड, सो आई गॉट आंसर, सो इट विल बी कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करेंगे, वेरी गुड, डायरेक्ट नहीं करेंगे बट कंपोनेंट्स निकालेंगे और कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है? ठीक है, कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब सवाल है ये जो d निकला इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, लेट्स ट्राई टू सी देम। कंपोनेंट्स निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब ये d के दो कंपोनेंट हुए, ये थीटा है तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी थीटा होगा, तो d का एक कंपोनेंट जो होगा वो इस तरफ होगा विच विल बी इक्वल टू डी कॉस थीटा, और एक जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा इस तरफ and it will be d sin theta, ठीक है, d sin theta। तो अभी जो d cos theta d sin theta है, सब लोग अपने कॉपी में करना शुरू करो, d cos theta d sin theta। अब मुझे बताओ cos theta की वैल्यू क्या होगी, लुक एट दैट राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज इन्वॉल्विंग द एंगल थीटा, cos theta will be base upon hypotenuse which will be equal to d upon under root of y square plus d square। सिमिलरली आप साइन थीटा निकाल सकते हो, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज व्हिच विल बी इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो अगर आप d cos थीटा करोगे, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर आप d cos थीटा करोगे उसे मैं बोल रहा हूँ e परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा। सब लोग अपने कॉपी में निकालना शुरू करो, इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा व्हिच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ D की वैल्यू कितनी आई थी? इट इज के लैम्डा डी वाई बाई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? आइए, के लैम्डा डी वाई बाई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आया था, इट इज बेस इज डी अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? तो इसको अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मैं इसके अंदर के लैम्डा डी बाहर निकाल दूं, ये सब कांस्टेंट है, और ये आएगा डी वाई बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है? चलो, और y की वैल्यू अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे
कॉस्ट थीटा आपने पुट कर लिया, तो यहां पे डी कॉस्ट थीटा डी साइन थीटा हमने कर लिया ये, अच्छा सो डी वाई बाई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू नो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू थ्री बाई टू हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको अगर इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन कैसे करें, तो ये डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थ्री बाई टू आया, तो इसको इंटीग्रेशन करना है तो हमें एक एक काम करना पड़ेगा, लेट अस ट्राई टू पुट दैट यू नो y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक इंटीग्रेशन करने के लिए एक सब्सटीट्यूशन करेंगे, ध्यान से देखना सब्सटीट्यूशन क्या है, सुनना। ये देखो ये जो चीज है इस इक्वेशन में, अगर आप देखोगे आपको tan थीटा यहाँ से मिलेगा, आपको tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y by d है, तो y इज इक्वल टू d tan थीटा है, ये देखो ना इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू y by d, तो y इज इक्वल टू d tan थीटा है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y इज इक्वल टू d tan थीटा, तो अगर आप y इज इक्वल टू d tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये क्या आएगा, देखो ये आएगा y इज इक्वल टू d tan थीटा, अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो dy है dy आ जाएगा dy by d थीटा, it will be y is equal to d tan theta dy by d theta is equal to sec square theta, ये आ जाएगा dy by d theta, तो dy की जगह sec square theta d theta रखोगे and y is equal to d tan theta यहाँ पे put कर दोगे, तो d square plus d square tan square theta आ जाएगा, that is d square sec square theta, तो ये जो पूरी चीज है ये क्या आएगी, देखो k lambda d integration dy की जगह पे आप डाल दो sec square theta d theta, इसको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, घबराना नहीं बिल्कुल, dy equal to sec square theta d theta divided by d square plus y square root by 3 by 2, y की वैल्यू क्या रखे आपने d tan theta, तो y की जगह d tan theta रखोगे तो d square by d square tan square theta आ जाएगा डिनोमिनेटर में, so d square sec square theta का पावर 3 by 2, तो ये आ जाएगा d cube sec cube theta, I hope you understood this. d cube sec cube theta, तो ये d cube बाहर निकालो और sec cube theta sec square theta, तो ये आ जाएगा, ये पूरी चीज जो आ जाएगी यहां पे कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना k lambda d वैसे का वैसा रहेगा, इसमें k lambda d और d cube, तो k lambda by d square आ जाएगा और मेरा इंटीग्रेशन आएगा cos theta d theta, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा ये कॉस थीटा के लिमिट्स क्या है इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे, ध्यान से देखना, कॉस थीटा के लिमिट निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो कॉस थीटा के लिमिट्स क्या होंगी, देखो ये जो रॉड के एंड पॉइंट्स हैं, ये रॉड के एंड पॉइंट्स आप ज्वाइन कर दें यहां से, रॉड के एंड पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद मान लीजिए ये जो परपेंडिकुलर खींचा है इससे क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग थीटा वन एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं थीटा टू एंगल, क्लॉकवाइज जा रहे हैं थीटा वन, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं थीटा टू, तो क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव माने, क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव माने, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव अगर मानोगे तो ये थीटा वन पॉजिटिव के साथ आएगा, तुम्हारी जो लिमिट्स होंगी ना वो होंगी प्लस थीटा वन से लेके माइनस थीटा टू तक, अपर लिमिट प्लस थीटा वन और लोअर लिमिट माइनस थीटा टू, तो इसको यूज करो, माइनस क्यों, क्योंकि तुमने क्लॉकवाइज को प्लस माना है और ये थीटा टू जो है ये परपेंडिकुलर डी से, जो बेस आपने परपेंडिकुलर खींचा है उससे थीटा टू एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको लिमिट जो डालने पड़ेंगे ना, ये बहुत बहुत अच्छा चीज है, लिमिट जो डालने पड़ेंगे वो डालना पड़ेगा माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा वन तक, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो e परपेंडिकुलर आएगा, ये e परपेंडिकुलर था, इट इज कमिंग एज k लैम्डा अपॉन d स्क्वायर, सब लोग देखो, और इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d से, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज sin थीटा, सो दिस वन विल बी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ध्यान से देखना sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, दिस इज योर e परपेंडिकुलर, k लैम्डा बाय d स्क्वायर इनटू sin थीटा 1 और sin थीटा 2, क्या मेरी बात समझ में आई, ध्यान से देखो क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड हियर, ठीक है,
k lambda dy d by, तो आपने k lambda d बाहर निकाल लिया था और आपने dy by d square plus y square to the power 3 by 2 लिया। अब ये dy by d theta x square theta कैसे आया? देखो हमने देखा था कि हमने y और theta को link किया, तो हमने देखा tan theta is equal to y by d, उसको differentiate किया, तो we got the relationship between y and theta. These are small small things that you need to understand, right? तो ये e perpendicular आया k lambda by d square sin theta 1 plus sin theta 2. अब सवाल है what will be e parallel? What will be e parallel? तो e parallel निकालने के लिए मैं क्या करूं? मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ d sin theta. तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ d sin theta करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? फिर से वही करते हैं, d it is equal to d क्या था? D था, फिर से देखो भूल गया मैं, d क्या करें? D था k lambda dy by d square plus y square. Yes, k lambda dy by d square plus y square. और अभी sin theta अगर मैं करूंगा, तो sin theta को मैं रखूंगा sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. क्या होगा बोलो? Perpendicular तो y और hypotenuse तो under root of d square plus y square. अब सही है क्या? सही है. तो ये आया, k lambda को बाहर निकाल लूंगा मैं, k lambda बाहर निकाल लूंगा, इंटीग्रेशन आएगा y dy by y square plus d square to the power 3 by 2. सब लोग इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करो, y square plus d square to the power 3 by 2. सब लोग इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है? फिर से मैं tan theta equal to y by d लिखूंगा, तो y is equal to d tan theta अगर मैं लिख दिया, y is equal to d tan theta अगर लिख दिया, तो dy by d theta और dy is equal to d sec square theta d theta, ठीक है? y equal to d tan theta. मैंने just, मुझे अभी याद आ रहा है, एक सेकंड रुकना, I think that I have made a small mistake. ये देखो k lambda dy d cos theta, तो y is equal to, हाँ सही बोला देवेश, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो. dy equal to d sec square theta आएगा ना देवेश, that's what you wanted to say. dy by d theta equal to d sec square theta, that's what you wanted to say. Yes yes yes, good 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 good. तो ये basically d dy is equal to d sec square theta d theta, तो d एक बाहर आ जाएगा, तो k lambda d square by d cube होगा. तो basically final result जो आएगा ना, यहाँ पे d square एक आएगा बस, और कुछ नहीं. और ये जो नीचे जो final result में square लिखा था ना, ये square नहीं होगा, बस इतना ही difference आएगा. क्या clarity है ये? It will be k lambda by d sin theta 1 plus sin theta 2. Now it's clear? अरे बोलो भाई, now it's clear? ठीक है, okay, good, good, good. आ जाओ, आ जाओ. तो dy is equal to d sec square theta, तो dy by y equal to d tan theta है, तो dy by d theta equal to d sec square theta d theta आ जाएगा. dy को d sec square theta d theta आएगा. तो अब आप क्या करें, ये जो dy है, इस dy की जगह पे आपने you know, dy की जगह पे आप d sec square theta d theta डाल दो, ठीक है? और y equal to d tan theta डाल दो, और y square plus d square, d की जगह पे आप sorry, y की जगह पे आप d tan theta डाल दो, तो ये पूरी चीज क्या आएगी? देखो k lambda y की जगह पे d tan theta, let's see this. So, करते हैं थोड़ा सा अच्छे से, d tan theta, dy की जगह पे d sec square theta, तो ये d square आ जाएगा, tan theta sec square theta d theta, ठीक है? और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा y की जगह पे d tan theta d square plus d square tan square theta d square sec square theta का whole 3 by 2, तो d cube sec cube theta. अरे भाई सही है ना, d cube sec cube theta. तो ये देख, ये d square d cube मर गया, नीचे सिर्फ एक d रहेगा, ठीक है? तो ये जो final result आएगा, ये final result आएगा k lambda by d, ध्यान से देखना, k lambda by d, और integration रहेगा sin theta d theta का, sin theta d theta का integration रहेगा, और limits फिर वही minus theta 2 से लेके plus theta 1 तक. ये अगर integration हम सही से कर लेते हैं, तो अपने को result मिलेगा k lambda by d e parallel is equal to k lambda by d, ध्यान से देखना, sin theta का integration हो जाएगा minus cos theta, ठीक है? So minus cos theta will be minus cos theta 1 minus of minus cos minus theta 2,
तो ये वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा बाई डी, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, इज इट कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे थीटा वन किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, थीटा टू किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कहाँ से मेजर्ड है, कहाँ से मेजर्ड है, दिस इज मेजर्ड फ्रॉम द परपेंडिकुलर डी। परपेंडिकुलर डी जो आप खींच रहे हो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, परपेंडिकुलर डी से मेजर हो रही है ये, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो आपके पास ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दो कंपोनेंट आए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर आपके पास एक रॉड है या एक वायर है जिसके अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा कूलम पर मीटर का है, तो इससे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा ई परपेंडिकुलर, व्हेन आई से ई परपेंडिकुलर दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रॉड, और एक होगा ई पैरेलल। ध्यान से सुनिएगा, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आई के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये आई वैल्यू। और ई पैरेलल जो है इसकी वैल्यू आई के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, जहां पे थीटा टू किस तरफ मेजर्ड है, थीटा टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड है और थीटा वन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड है। बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, ये मैं फिर से लिखता हूं, सो थीटा टू जो होगा ये माइनस साइन के साथ आएगा बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड है, that is why it is coming with minus sign. क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपने minus theta to lower limit रखा था और upper limit plus theta one रखा था। और ये जो d है, ये d क्या है? ये d जो है, this is the perpendicular distance of point, कौन सा point जहाँ पे electric field निकालनी है, from the rod or wire, जो भी बोल लो, ठीक है? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब एक गिवन लेंथ ऑफ रॉड के सामने अगर हम कोई पॉइंट लें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कंपोनेंट होगी, एक होगी ई परपेंडिकुलर और दूसरी होगी ई पैरेलल, ठीक है? अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए, ये जो आपने फॉर्मूला भी देखा ई परपेंडिकुलर का और आपने जो फॉर्मूला देखा ई पैरेलल का, ये फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ये जो टर्म्स हैं ये सब भी याद होना चाहिए कि थीटा वन किस डायरेक्शन में लिया था उसको पॉजिटिव माना था, थीटा टू किस डायरेक्शन में लिया था उसको नेगेटिव माना था, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और थीटा वन थीटा टू दोनों डी से मेजर हो रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात है जो मैं आपको बताना पसंद करूंगा, वो ये है कि ई परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक रॉड है तो ई परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे भी निकालना हो, ई परपेंडिकुलर विल बी इन अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ई परपेंडिकुलर जो है वो इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लैम्डा का साइन क्या है। ये साइन हो, ये डायरेक्शन होगी जब लैम्डा नेगेटिव होगा और ये डायरेक्शन होगी जब लैम्डा पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब लैम्डा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे अगर मैं प्लस वन यूनिट चार्ज, प्लस वन या कूलम चार्ज रखूंगा तो उसे रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर की डायरेक्शन होगी जो आउटवर्ड होगी, और अगर मैं लैम्डा को नेगेटिव ले लूं तो उस केस में प्लस वन कूलम चार्ज अट्रैक्ट होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी अंदर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ई परपेंडिकुलर में यही खेला है कि ई परपेंडिकुलर जो होगा ये बेसिकली इधर आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। अब सवाल है कि व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ ई पैरेलल, ई पैरेलल की डायरेक्शन किधर होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। ई पैरेलल इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, किधर होगा ई पैरेलल? इन दोनों में से एक, ये वन लेता हूं मैं, एक टू लेता हूं, दोनों तो सही नहीं हो सकते, वन और टू,
कौन सही है, ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा सुनिए। अगर लैम्डा पॉजिटिव है, इसका देख लेंगे, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, आपको ये जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से इन दोनों को ज्वाइन करना है एंड्स को, और आपको ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है इनको कंपेयर करना पड़ेगा, ये थीटा वन है और ये थीटा टू, इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना। देखो देखो समझा रहा हूं, मान लो ऐसा है डी जो है यहां पे, तो ऑब्वियसली आपकी थीटा वन स्मॉलर है और थीटा टू लार्जर है, ठीक है, थीटा वन स्मॉलर है और थीटा टू लार्जर है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होगा कि देखो, ये देखो ध्यान से, तो होगा क्या कि अगर थीटा वन थीटा टू जब इक्वल लेंथ के हो जाएं तो ई पैरेलल वाला कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट वन और टू एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे अगर थीटा वन थीटा टू दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि ई पैरेलल का फॉर्मूला क्या आ रहा था, ये देख, सॉरी, ई पैरेलल का फॉर्मूला क्या आ रहा था, ई पैरेलल का फॉर्मूला आ रहा था ये देख तेरे सामने, cos थीटा 2 - cos थीटा 1। अगर मैं बोलूं थीटा 1 और थीटा 2 दोनों बराबर हैं तो बोल क्या cos थीटा 2 - cos थीटा 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ई पैरेलल 0 हो जाएगा, ई पैरेलल 0 हो जाएगा। तो ई पैरेलल की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, थीटा 2 और थीटा 1 में, थीटा 2 और थीटा 1 में जो भी जो भी क्या होगा, बड़ा होगा, वो डिसाइड करेगा कि किस तरफ होगा थीटा वन और थीटा, मतलब किस किस तरफ होगा ई पैरेलल। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी इट, ये देख मैं यहां दिखाता हूं, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये। मान ले ये जो एंगल है, ये एंगल है 30 और ये जो एंगल है, ये एंगल है 60, ठीक है। तो तू अगर देखेगा, ये देख, ये थीटा इतना वाला पोर्शन, ये जितना पोर्शन है लेंथ, उतना लेंथ का नीचे साइड में अगर तू कट कर लेगा तो तेरे को दिखेगा कि इतने पोर्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो थीटा रहेगी 30 30, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो बचा कौन सा पोर्शन, बचा ये वाला पोर्शन, दिख रहा है तेरे को ये वाला, ये पोर्शन बचा। अब ये पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे जहां पे +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है किधर होगी, क्या वो इस तरफ आएगी रिमेनिंग पोर्शन के लिए। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूं, क्या इसका कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल को कंपोनेंट को सपोर्ट करेगा और एक वर्टिकल को सपोर्ट करेगा, तो वर्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है रॉड में, लैम्डा कूलम पर मीटर में अगर लैम्डा पॉजिटिव है, तो किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो एंगल छोटा है क्या उस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ई पैरेलल क्या उस तरफ होगी, क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आएगी। जैसे कि सिंपल लॉजिकली सोचना, बुद्धि से बताना पड़ेगा तुम्हें ये। ये देख, मान ले ये लिया मैंने यहाँ पे, ये एंगल 15 डिग्री और ये एंगल 75 डिग्री, ऐसे मान ले, तो क्या 15 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग इतना, ये 15 डिग्री बैलेंस कर ले, ये वाला पोर्शन पूरा कट गया। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये रिमेनिंग पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी ना, तो किस तरफ होगी इसका, अगर मैं दो कंपोनेंट लू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वाला तो हॉरिजॉन्टल फील्ड को इफेक्ट करेगा, वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो किस तरफ रहेगा, नीचे की तरफ, मतलब जिधर स्मॉलर साइड है, स्मॉलर एंगल सबटेंड कर रहा है डी के एंड से, जो एंगल सबटेंड करेगा एंड ऑफ दैट रॉड में, राइट, मतलब +1 कूलम से एंड ऑफ द रॉड में जिधर ज्यादा बड़ा एंगल होगा, क्या उसके अपोजिट साइड में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो, क्या मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा ऐसा क्यों बोला सर, लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो, क्योंकि अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ तो चार्ज जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी,
वो इस तरफ ना होके क्या इस तरफ होगी? तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी नेट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है, तो लैम्डा को देखें, लैम्डा को देखें, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो जो एंगल बड़ा है उसके ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल की डायरेक्शन होगी. मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे cos थीटा 2 - cos थीटा 1 करके, मैग्नीट्यूड वहां से देख लो और डायरेक्शन इस बुद्धि से निकालो जो मैंने अभी आपको बताया है. क्या मेरी बात समझ में आई? गुड. तो ऐसे ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा इसके ऊपर अभी हम सवाल देखेंगे. देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम वन गाय. यस आदर्श, टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन. या सर, अगर अगर लैम्डा लैम्डा पॉजिटिव हुआ और थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है तो cos थीटा 2 cos थीटा 1 से छोटा हो जाएगा तो टोटल टर्म नेगेटिव हो रही है. उसमें उसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है. मैंने क्या बोला, आप जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला था cos थीटा 2 - cos थीटा 1 उसका साइन वाइन कुछ मत देखो, उससे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो. क्या निकालो? अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालो. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किससे निकालोगे? वो जो आपने बताया कि मतलब लैम्डा पॉजिटिव. यस यस यस, उससे निकालोगे. क्या बात समझ में आई है? हाँ. ओके फाइन, चलो ठीक है, फाइन चलो आगे बढ़ते हैं. अभी कुछ सवाल सॉल्व करते हैं. इसके कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं देखिए. जैसे कि मैं सपोज आपको एक रॉड देता हूँ और आपको मैं यहाँ से डी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलता हूँ और ये बोलता हूँ कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है. बताइए ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर इस जगह पे, यहाँ पे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर. जल्दी बोलो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर. जल्दी बोल सकते हो तुम? ई परपेंडिकुलर बोलो. के लैम्डा बाई डी डायरेक्ट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन 30 प्लस साइन 30, क्या ये 1 हो जाएगा? और इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी. और ई पैरेलल क्या होगा? जल्दी बोलो ई पैरेलल क्या होगा? क्या ये हो जाएगा के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस थीटा 2 - कॉस थीटा 1? क्या ये कॉस 30 - कॉस 30, क्या ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा टोटल. ठीक है, तो ई पैरेलल यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं. ठीक है, आइए और एक सवाल देखते हैं. सपोज मैं आपको यहां से, ये डी है, ठीक है, ये डी है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है. बताइए ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर 30 डिग्री, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, लैम्डा कूलम पर मीटर. जल्दी बोलिए, डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा आपको. ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन 60 प्लस साइन 30. साइन 30 इज हाफ, साइन 60 इज रूट 3 बाई 2. क्या ये रूट 3 प्लस 1 बाई 2 आएगा? और किधर आएगा? इस तरफ आएगा. ई पैरेलल मैग्नीट्यूड बोलो के लैम्डा बाई डी, दो कॉस का सब्ट्रैक्शन कर दो, कॉस 30 माइनस कॉस 60. मैग्नीट्यूड कॉस 30 इज हाउ मच? कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2, कॉस 60 इज हाफ. तो क्या ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई 2. अब डायरेक्शन बुद्धि से निकालेंगे. बुद्धि से क्या करेंगे? 30 30, क्या मैंने सिखाया था आपको 30 30, यहीं पे बैलेंस आउट हो जाएगा. सो इस तरफ बच गया एक्स्ट्रा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगी इस तरफ नीचे की तरफ. तो ई पैरेलल किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ. क्या मेरी बात समझ में आई? इज एवरीबॉडी ओके विद व्हाट आई एम सेइंग? इज एवरीबॉडी ओके विद दिस? ओके चलिए नया व्हाइट बोर्ड क्रिएट करते हैं. आइए आइए, अब क्या करते हैं. सपोज इफ आई से दैट ये आपकी वायर है और यहां पे एक पॉइंट है, राइट, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट है, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है,
ये वायर है, वायर की चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा कूलम पर मीटर, और ये बोला है कि इसके इस एंड से जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और ये जो एंगल है ये एंगल भी 30 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये आपका रॉड है ए बी मान लो, क्या वायर है, आपको इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, और डी है ये वाली लेंथ डी दी हुई है, बीपी की लेंथ डी दी हुई है। अब आपको ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं थीटा वन कितना है। थीटा वन, सही से बोलना बुद्धि लगा के, जो कन्वेंशन आपको सिखाया गया है, क्या थीटा वन कहां से मेजर होगा? डी से। लेकिन डी कौन सा डी था? वो परपेंडिकुलर डी था, पर यहां पे जो डी दिया गया वो परपेंडिकुलर नहीं है रॉड के ऊपर, वो भले ही पॉइंट पी जहां पे यूनिट चार्ज रखा हुआ है वहां से तो क्रॉस कर रहा है बट परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपका जो डी यहाँ पे होगा वो होगा डी डैश, मैं बोल रहा हूँ, विच विल बी इक्वल टू डी कॉस 30 डिग्री, विच इज डी रूट 3/2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये जो डी डैश है ये आपका डी है इस केस। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो डी जो है यहाँ पे वो डी रूट 3/2 अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव बिल्ड ऑन फॉर फाइंडिंग आउट डी, या फिर डी जो हमने लिया था उसके हिसाब से यहाँ पे डी क्या है, डी रूट 3/2 डी नहीं है वो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज डी रूट 3/2। अब आप क्या कीजिए, थीटा वन देखिए, थीटा वन कितना होगा? डी इस केस में डी रूट 3/2 है, तो बेसिकली आपको इस ए बी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस ए बी को एक्सटेंड करोगे तो ये जो पी से आपने लाइन खींचा है, मान लो ये पी क्यू है, दिस पी क्यू इज नाउ परपेंडिकुलर टू ए बी एक्सटेंडेड, तो ये जो पी क्यू है ये आपका डी है, विच इज इक्वल टू डी रूट 3/2। तो आपके केस में जो डी आई वो है डी रूट 3/2। पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये सेट करो, डी रूट 3/2 आई डी, ठीक है। थीटा वन कितना है? थीटा वन होगा 60 डिग्री। थीटा वन आप याद करो क्लॉकवाइज लेते थे डी से, तो यहाँ पे डी रूट 3/2 से क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा 60 डिग्री पॉइंट ए का एंगल। तो थीटा टू कितना होगा, कौन बताएगा? थीटा टू देखो, अगर डी से एंटी क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव आएगा, गलत है देवेश, एंटी क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं डी जो यहाँ पे डी डैश है अगर उसे देख रहा हूं तो बी का एंगल जो दिया हुआ है वो 30 है, बट हमें तो जो एंगल थीटा टू था, ये देखिए एक सेकंड होल्ड कर, गलत है, ये देख, ये जब डी हुआ करता था तो हम ये एंगल लेते थे तो डी से हम क्लॉकवाइज चलते थे, इसको हम लोग बोलते थे थीटा वन, और डी से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते थे तो इसे बोलते थे थीटा टू, है ना। पर यहाँ पे जो थीटा टू आ रहा है वो हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हैं, डी रूट 3/2 से हम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। तो तुम्हारी अगर बुद्धि चल रही है तो तुम उसको ऐसे करो, यहां से ऐसे घुमा के यहां तक लाओ, तो थीटा टू जो होगा वो इधर होगा 330 डिग्री, इसीलिए करा रहा हूं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, या फिर -30 डिग्री। जब डी से नीचे लेते थे एंटी क्लॉकवाइज तब पॉजिटिव लेते थे, तो अगर डी से ऊपर ले रहे हैं तो नेगेटिव ले लो, इधर -30 लो या 330 डिग्री लो, ये दोनों में से एक ले सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ध्यान से देखो, अब तुम ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हो। ई परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा k लैम्डा बाय 2 sin थीटा 1 + sin थीटा 2 k लैम्डा बाय d, d यहां पे होगा d रूट 3/2, sin थीटा 1 इज sin 60, sin थीटा 2 इज sin ऑफ -30। और अभी तुम ई पैरेलल अगर निकालना है तो ई पैरेलल हो जाएगा k लैम्डा बाय d cos थीटा 2 - cos थीटा 1, cos थीटा 2 इज cos ऑफ -30 व्हिच इज cos 30 - cos थीटा 1 व्हिच इज cos 60। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? बुद्धि से। तो तुम अगर देखोगे ए बी, तो ए बी से कोई भी कंपोनेंट ले लो वो उसकी डायरेक्शन
ई पैरेलल की तुम्हें साफ साफ दिख रही है, परपेंडिकुलर मैं बोल चुका हूँ, ई पैरेलल का ही दिमाग लगाना है। ई पैरेलल की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी कॉम्पोनेंट ले लो वो नीचे की तरफ ही जा रही है, उसका कॉम्पोनेंट जो आएगा वो नीचे की तरफ होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हो। दिस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है बच्चे को। तो आपको थीटा वन थीटा टू नोमेनक्लेचर का अच्छे से समझना है, तभी आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। आ जाओ, अब क्या कर सकते हैं। अब मान लो मेरे पास एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इधर भी इंफिनिटी जा रही है और इधर भी इंफिनिटी जा रही है। एक सेकेंड, इधर भी इंफिनिटी जा रही है, ठीक है। हमें इससे डी डिस्टेंस इधर और डी डिस्टेंस इधर, ठीक है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लैम्डा कूलम पर मीटर इज द चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कूलम पर मीटर। अनुष्का पुट योर हैंड्स डाउन, आई विल कम बैक टू यू। लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर इज द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपने एक इनफाइनाइट रॉड लिया हुआ है, उसे बेंड कर दिया ऐसे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे बेंड कर दिया आपने इसे, ठीक है, ओके। तो आपको बताना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आप एक प्लस वन का चार्ज रख दो, प्लस वन कूलम का चार्ज रख दो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस जगह पे, जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। एक है लाइन पी क्यू इन्फिनिटी तक जो जा रही है, और एक है लाइन पी आर जो ऐसा स्ट्रेट इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इस पी क्यू लाइन के कारण देखो, इन्फिनिटी तक जो जा रही है पी क्यू, इसके कारण आप देखें क्या हो रहा है। पी क्यू के कारण अगर आप डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे, ध्यान से देखें, डी डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा इस तरफ ऊपर, which will be E perpendicular. E perpendicular की value कैसे निकालोगे? It will be K lambda by D. सब लोग अपने copy में बनाओ। K lambda by D. Sin theta 1 plus sin theta 2. देखो, theta 1 कितना है? अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये वाली जो angle है, ये 45 degree होगी। ये वाली angle, because ये square का part बन रहा है। क्या तुम्हें दिख रहा है? ये 45 degree होगी। तो sin theta 1 plus sin theta 2. Sin theta 1 is 45 degree. Sin 45 degree, which is 1 by root 2. 1 by root 2. प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा टू इज साइन 90 डिग्री इज वन, क्योंकि ये इन्फिनिट तक जा रही है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल प्लस वन कूलम से जब ये यहाँ पे पूरा ज्वाइन होगा ऐसे ऐसे, तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। होप योर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये एंगल जो है बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी एक्सटेंड होने के कारण ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा ई परपेंडिकुलर, ठीक है। और ई पैरेलल किधर होगा? देखो, जितना ये लेंथ था डी से, सपोज ये क्यू है, ये पॉइंट सॉरी क्यू ये है, सॉरी ये पॉइंट मान लो आर है, आर भी नहीं एस है, तो ये पॉइंट एस मान लो। तो ये जो पी एस है, पी एस के लेंथ का इधर एक पोर्शन कट कर लो, तो इन दोनों के कारण तो कट जाएगा, तो बाकी जो पोर्शन बचा हुआ इन्फिनिटी तक वो ये वाला पोर्शन है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो ई पैरेलल की जो डायरेक्शन होगी इस साइड के लिए वो इस तरफ आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ई पैरेलल की डायरेक्शन, और ये E parallel की मैग्नीट्यूड जो होगी वो आ जाएगी K lambda by D, सब लोग करना, cos theta 2 minus cos theta 1, यही था ना, cos theta 2 minus cos theta 1 था ना भाई, cos theta 2 minus cos theta 1। तो cos theta 2 minus cos theta 1 उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, cos theta 2 is 90 degree, cos 90 degree 0 minus cos theta 1 cos 45 degree, तो ये K lambda by 2 1 by root 2 आएगा। I hope you are understanding this. ये magnitude और direction आ गई इस तरफ, ठीक है। अब मैं ये vertical वाला section देखूंगा, which is which section? This is basically your PR वाला section. PR वाला section. तो अब यहाँ पे electric field जो होगी perpendicular, क्या वो इस तरफ होगी? और ये E perpendicular कितनी होगी? E perpendicular will be K lambda by D. आओ साथ साथ मिलके करते हैं। Sin theta 1 by sin theta 2. क्या ये आ जाएगा फिर से यही
यही जो यहाँ पे आया था वही चीज आ जाएगी फिर से क्या? आपकी बुद्धि तेज चल रही है? अरे सन्नाटो, बुद्धि तेज चल रही है क्या? e identical to k lambda by d 1 by root 2 plus 1 and what will be e parallel निकालने के लिए ध्यान से देखो तुम, ये पॉइंट मान लो t है, ये पॉइंट अगर t है तो तुमने इतना पोर्शन pt के बराबर पोर्शन इधर कट कर लिया, जो एक्स्ट्रा पोर्शन इधर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी यहाँ पे जहाँ पे प्लस वन कूलम चार्ज रखा हुआ है वो आएगी नीचे की तरफ, तो e parallel जो इधर आएगी वो आएगी नीचे की तरफ। और क्या आपको लगता है कि e parallel की जो मैग्नीट्यूड होगी या क्या ये वही होगी जो इस तरफ यहाँ पे है? तो बेसिकली आपको दिखेगा कि इस पॉइंट प्लस वन कूलम पे जो चार्ज है, अगर मैं प्लस वन कूलम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ठीक है, तो प्लस वन कूलम पे जो नेट चार्ज आएगी, ध्यान से देखिएगा, प्लस वन कूलम पे जो नेट चार्ज आएगी, ध्यान से देखना, प्लस वन कूलम पे नेट चार्ज बोल रहा हूँ, नेट फील्ड आएगी वो क्या आएगी देखो, एक आएगी ई परपेंडिकुलर इधर, ये ई परपेंडिकुलर आया पी क्यू सेगमेंट के कारण, ई परपेंडिकुलर सॉरी ये ई परपेंडिकुलर आया बिकॉज ऑफ दिस यू नो पी आर सेगमेंट, और ई परपेंडिकुलर दूसरा आएगा इस तरफ, दिस इज बिकॉज ऑफ E perpendicular because of PQ segment. Similarly, E parallel अगर तुम देखोगे, एक E parallel आएगा इस तरफ because of PQ segment, और RP segment के लिए E parallel इस तरफ आ जाएगा। तो अब तुम्हें इन सब का resultant करना पड़ेगा। तो vertical direction में resultant हो जाएगा E parallel E perpendicular में कौन बड़ा है? E parallel perpendicular में कौन बड़ा है? E parallel और perpendicular में E perpendicular बड़ा है। तो E perpendicular k lambda by d 1 by root 2 plus 1 by minus k lambda by d 1 by root 2, तो k lambda by d ऊपर की तरफ होगा और E perpendicular बड़ा होना चाहिए इस तरफ k lambda by d, right hand side में k lambda by d तरफ होगा। तो जो net आएगी कटने के बाद, तो जो net आएगी, क्या आपको लगता है जो net आएगी वो कुछ ऐसी होगी? ध्यान से देखना, मेरे पास जगह की कमी है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक फील्ड, एक फोर्स इधर रह जाएगा, एक फोर्स इधर रह जाएगा, तो जो रिजल्टेंट आएगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्या क्लैरिटी है ये? इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। क्या क्लियर है ये? क्या क्लियर है ये? गुड गुड, आर यू ऑल इन सिंक? क्या सबको समझ में आया है? क्लैरिटी है? कोई दिक्कत? एवरीवन प्लीज, क्लियर है ये? गुड 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 गुड। तो ये कुछ अच्छे सवाल हैं जो फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको पता है कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये देख मान ले एक सेमी इनफाइनाइट वायर बना दिया गया है, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब इस एंड से डी दूरी पे तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, मतलब यहाँ पे प्लस वन कूलम चार्ज रखा हुआ है। अब बता इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे कितना होगा? तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बतानी है तो सबसे पहले ई परपेंडिकुलर देखेंगे, तो ई परपेंडिकुलर जो होगा वो इस तरफ होगा, एंड दैट विल बी हाउ मच? ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, लैम्डा मान लो, लैम्डा कूलम पर मीटर इज द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, थीटा वन कितना है? जीरो। थीटा टू कितना है? 90। तो इट इज लाइक के लैम्डा बाय डी, ठीक है। और जो ई पैरेलल होगा, ई पैरेलल क्या होगा? क्या इसी साइड के कारण ई पैरेलल होगा और इस साइड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब ई पैरेलल की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। अरे जिधर बच जाता है उधर ही होता ना भाई, इस लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो राइट हैंड साइड का पूरा पोर्शन बचा हुआ है, तो इस तरफ राइट हैंड साइड के ऑपोजिट साइड में ई पैरेलल होगा, और ई पैरेलल की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? क्या वो हो जाएगी k lambda by d cos theta 2 minus cos theta 1। एक जो है, एक theta आ जाएगा 0 degree और एक theta आ जाएगा 90 degree, तो ये k lambda by d 1 आएगा। तो तुम्हारी जो net electric field आएगी वो आएगी, ये देख, एक आएगी इधर which is equal to k lambda by d, और एक आएगी इधर which is equal to k lambda by d। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So this is the net field that you are getting at this particular point, ठीक है। इसमें पता है एक अच्छा सवाल कैसे बनता है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ध्यान से देखना। ओके, मैं बताता हूँ, सुन ध्यान से। मान ले एक रिंग है,
और इस रिंग के सेंटर से एक रॉड इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, मतलब सेमी इनफाइनाइट रॉड। इस रिंग पे लैम्डा 1 कूलम पर मीटर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और इस रॉड पे लैम्डा 2 कूलम पर मीटर चार्ज दिया हुआ है। तो ये बोला जा रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन दिस रिंग, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन दिस रिंग, और इस रिंग की जो रेडियस है वो दी हुई है डी। अब हिंट है, अभी जो मैंने तेरे को बताया है क्या इसमें से कोई भी ऐसा होनहार है जो मुझे ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताया मैंने सेमी इनफाइनाइट रॉड का इसको यूज करके आंसर दे पाए? ओके, यस आदर्श, टेल मी। सर हम पहले इस कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर वो चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड। और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड? के लैम्डा बाय डी। तो गुड गुड, आई गॉट योर पॉइंट, गुड, चलो मिलके करते हैं। गुड, आई गॉट योर पॉइंट। देखो ध्यान से, ये देख, अगर तू ध्यान से देखेगा इसको ऐसे रख रहा हूं मैं, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के लैम्डा बाई डी इस तरफ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के लैम्डा बाई डी इस तरफ। ठीक है, एक्चुअली ये लैम्डा 2 होगा, के लैम्डा बाई 2। अब अगर तू देखेगा लॉजिकली, ये जो के लैम्डा बाई डी जो हॉरिजॉन्टल की तरफ है, ये सब तरफ लगेगा तो ये कट जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये k लैम्डा 2 बाई डी जो हॉरिजॉन्टल की तरफ है, ये हर तरफ लगने के कारण कट जाएंगी। मैंने जैसे इसको उल्टा करके दिखाया है, ऐसे वर्टिकली रहने दो, क्या ये कट जाएगा k लैम्डा 2 बाई डी? और जो k लैम्डा बाई 2 बाई डी नीचे की तरफ है वो रह जाएगा हर तरफ। तो k लैम्डा 2 बाई डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन अ स्मॉल एलिमेंट? चार्ज ऑन अ स्मॉल एलिमेंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज द फोर्स। चार्ज मान ले छोटा, एक छोटा सा एलिमेंट ले ले तो उसकी हो जाएगी डीएल लेंथ का ले ले तो वो हो जाएगा लैम्डा 1 इनटू डीएल। सो दिस इज द टोटल, दिस इज द स्मॉल फोर्स डीएफ एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट इन द अगर ये अपना ओरिजिनल सेटअप है तो वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। लेफ्ट हैंड साइड तरफ लग रहा है, तो के लैम्डा बाई 2 इंटू लैम्डा 1 डीएल, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो k lambda 2 into lambda 1 by d, ये पूरा बाहर आ जाएगा, और dl क्या हो जाएगा 2 pi d। तो आपका आंसर आ जाएगा k into lambda 1 into lambda d into dl, dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 pi d divided by d। तो आपका आंसर आ जाएगा k lambda 1 lambda 2 into 2 pi, ठीक है, k 2 pi k lambda 1 lambda 2, that should be your answer. I hope you understood this, ठीक है। So thank you guys. We will end our session today here and we will continue this session tomorrow. In the meantime, please start or please keep your preparations ready for the doubt sessions. Thank you very much.